हेलो फ्रेंड्स, विनीता टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मॉर्निंग वॉक से वापस लौटी हूँ और मैंने अपने टेरेस पे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज की है और मैंने सोचा कि अब मैं एक वीडियो बना लूँ और आपको अपने टेरेस का ओवरव्यू दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने हिबिस्कस, व्हाइट हिबिस्कस के फ्लावर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। काफी दिनों के बाद खिले हैं ये मेरे व्हाइट हिबिस्कस और इनमें कई सारी कलियां आई हुई है, तो मुझे लगता है ये 2-4 दिनों में ये भी खिल जाएंगी। ये देखिए, और अभी तो अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, आज अक्टूबर की 5 तारीख है। तो मैंने जुलाई अगस्त में मैंने ये मोरिंगा के सीड्स डाल दिए थे, तो उसके प्लांट भी काफी अच्छे हो रहे हैं। मैंने 3-4 डाल दिए थे, सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं और सब प्लांट्स खूब अच्छे से बढ़ भी रहे हैं। और इसके साथ साथ ही मैंने 1-2 भिंडी के भी बीज डाल दिए थे, इनमें भी फ्लावरिंग हो गई है और इनमें भी भिंडी आ गए हैं। और 1-2 दिन तो मैंने भिंडी भी तोड़ लिए थे। अपने टेरेस की भिंडी खाने में बहुत ही अच्छा लगा। तो आप देखिए इस तरह से मेरे कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। अब तो इन सब फ्लावर्स के सीजन जाने वाले हैं। ये देखिए, मेक्सिकन पिटोनिया, ये कॉक्सकॉम्ब है, और ये है ट्रम्पेट वाइन, ट्रम्पेट बुश येलो, और इसको गोरी चोरी भी बोलते हैं। इसके तो कई सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए, देखिए, और एक ये मिर्ची वाला हिबिस्कस है, इसमें भी कई सारे कलियां आई हुई हैं, तो इसमें भी थोड़े दिनों में फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए, ये देखिए, वाओ, एक कबूतर भी। और इधर मेरे 4 o'clock के बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो अभी तो खिले हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये मुरझा जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एक कॉक्सकॉम्ब का बड़ा सा पौधा है जिसमें भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरे हिबिस्कस में भी कई सारी कलियां आई हुई हैं। और इधर सदाबहार का पौधा है और हाइब्रिड वाले सदाबहार भी हैं इस साइड। और यहाँ पे ये है इग्जोरा, वो पिंक इग्जोरा था, ये ऑरेंज कलर मिक्स रेड, और ये भी एक इग्जोरा है। और इस साइड कॉक्सकॉम्ब के कई सारे प्लांट हैं। यहाँ पे अब जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे ये खिलने वाले हैं। अपराजिता का भी फ्लावर खिला हुआ है, और ये है मेरा करी लीव, और ये टिकोमा है जिसमें की फ्लावरिंग हो गई है और अब 1-2 फ्रूट भी आ चुके हैं, जिसको मैं सीड्स के लिए मैंने इसको रहने दिया है। और ये मेरा सबसे फेवरेट रेड अडेनियम, इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सदाबहार, देसी सदाबहार, और ये वाइट कलर का है। और इधर अब अक्टूबर का महीना आ गया तो मैंने इधर कुछ सीडलिंग्स डाले हुए हैं। ये देखिए, ये गुलदाउदी के पौधे लगाए हैं मैंने। और इधर क्रिसमस ट्री है, इधर मेरी बेटी एक्सरसाइज कर रही है। इस साइड मैंने कुछ DIY करके लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये
एक मनी प्लांट उधर है, और इस साइड मैंने कुछ कैक्टस लगाए हुए हैं। ये देखिए आप कैक्टस, और यहाँ पे मेरा डबल चांदनी का फूल भी खिला हुआ है। एक ये पौधा है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और इधर मैंने जेड प्लांट को ऐसे हैंग कर दिया है। मैंने एक कप में स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है जो कि काफी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे कॉक्सकॉम्ब है, ये मैंने मधुमालती की बेल अभी लगाई है जो कि काफी अच्छे से बढ़ रहा है। और साथ ही मैंने इधर एमराइलिस लिली के साथ ही दो करेले के बीज डाल दिए थे जो कि काफी अच्छे से चल रहे हैं और इनमें करेले भी आने लग गए हैं। ये देखिए करेले आ रहे हैं। और यहाँ पे पोर्चुला का है, एक स्पाइडर प्लांट है, फिर इधर रेड लिली है, और ये मैंने एक ऑरेंज का पौधा लगाया हुआ है। ये ग्लेडियोलस के बल्ब लगाए थे जो कि अब काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी ग्लेडियोलस है और इसके साथ ही गेंदे का भी पौधा है। एक तुलसी है, एक व्हाइट रोज है, अमरेला पाम है, और कॉक्सकॉम में भी इधर फ्लावरिंग हो रही है। इधर भी एक फोर ओ क्लॉक का प्लांट है। और इधर मैंने कुछ हैंगिंग्स लगाए हुए हैं। ये मुझे पीला कलर का जो फ्लावर है, येलो चेरी बेल्स, काफी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे टेरेस गार्डन का ओवरव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।